नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज़। मैं हूँ चिराग मेहता। गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे जो न सुन पाने की बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे बच्चों के लिए बड़ौदा शहर की एसएसजी अस्पताल में कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार की ओर से गरीब और मध्यम परिवार के बच्चों को ये इलाज मुफ्त में। अपने जन्म से कम सुनने या फिर न सुन पाने की बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है, कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी। जी हाँ, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोक्लियर इम्प्लांट तकनीक है, जिसे छोटे बच्चे जो न सुन पाने की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें अब सुन पाने की शक्ति प्राप्त होगी। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के एसएसजी अस्पताल में कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की शुरुआत की गई है, और वो भी मध्यम और गरीब परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और सिर्फ सर्जरी ही नहीं, बल्कि इस सर्जरी के बाद दी जाने वाली दवाइयां भी पीड़ित बच्चों के परिवार को मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी। पहले इस सर्जरी में मरीज को करीबन 5 से 17 लाख तक का खर्च आता था, जो मध्यम परिवार के लिए मुश्किल और गरीब परिवार के बच्चों के लिए नामुमकिन था, जो अब राज्य सरकार मुफ्त दे रही है। आज एसएसजी अस्पताल में इस सर्जरी पे विशेष कार्यक्रम के तहत जानकारी दी गई और ऐसी बीमारी से परेशान बच्चों के अभिभावकों को सर्जरी का लाभ लेने की अपील की गई। एसएसजी हॉस्पिटल खाते आज थी अपने कॉक्लियर इम्प्लांट એટલે કે જે બહેરા બાળકો હોય છે એના માટે આપણે આજથી શરૂઆત કરી છે। આ રાજ્ય સરકારનું પ્રોગ્રામ છે અને રાજ્ય સરકારના પ્રોગ્રામના હેઠળ આપણે આ જે સારવાર છે, આખી સારવાર, ઓપરેશન, દવાઓ બધી મફતમાં થવાની છે। અને આપણે પહેલાં કરતા હતા કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ, પણ એ વખતે દર્દી પોતાની રીતે ઇમ્પ્લાન્ટ ખરીદીને લાવતો હતો, પણ હવે રાજ્ય સરકારે નક્કી કર્યું છે કે એવા જે બહેરા છોકરાઓ કે છોકરીઓ હોય એમને સંપૂર્ણ રીતે સાજા કરવા માટે આપણે આ સર્જરી મફતમાં કરી આપવામાં આવશે। એસી હી તાજા તરીન ખબરો સે અપડેટ રહેને આપ હમે યુટ્યુબ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓર ટ્વિટર પે સબ્સક્રાઇબ, લાઇક ઓર ફોલો કરના ના ભૂલે।